गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज सीमा फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। सो डियर स्टूडेंट, इन फर्स्ट क्लास सब्जेक्ट इज GK, आवर टॉपिक इज नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। ओके, सो स्टूडेंट, इन द लास्ट वीडियो वी डिड कम्प्लीटेड टू नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट, टूडे वी विल रीड फर्दर। ओके, सो लेट स्टार्ट। सो विट आई इन द यस्टरडे वी टोल्ड यू नेशनल सिंबल मीन्स आवर राष्ट्रीय चिन्ह। ओके, सो बेटा टू हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब थ्री नंबर से करेंगे। NATIONAL, नेशनल SONG सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग हमारा कौन सा है? वंदे मातरम। VANDE वंदे, वंदे MATARAM मातरम, आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। जो ये वंदे मातरम है, ये इंडिया का नेशनल सॉन्ग है, कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसको किसने कंपोज किया है बेटा? राइट किया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ओके, द सॉन्ग हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू न्यूमरस इंडियन लैंग्वेजेस। इस जो ये आवर नेशनल सॉन्ग है, इसको कई भारतीय भाषाओं में इसको किया, ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, सो बेटा आवर फोर्थ नंबर इज नेशनल सिंबल है हमारा, फोर्थ नेशनल करेंसी NATIONAL, नेशनल CURRENCY करेंसी, नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया इज इंडियन रुपी। ओके, ये हमारा इंडियन रुपी का साइन है। इंडियन रुपी इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द रिपब्लिक इंडियन, जो इंडियन रुपी है ये ऑफिशियल करेंसी है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये इंडिया की जो है वो गणतंत्र भारत की क्या है, वो ऑफिशियल करेंसी है एंड कंट्रोल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द न्यू सिंबल वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड, जो हमारा ये न्यू सिंबल है बेटा, ये वाला, ये ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया गया है? 2010 में, एंड स्टार्टेड इन सर्कुलेशन ऑन 8 जुलाई 2011। ठीक है, जो ये हमारा इंडियन करेंसी का जो ये हमारा ये साइन है, सिंबल है, इसको अडॉप्ट किया गया था 2010 में, एंड जो हमारे सर्कुलेशन में आया था 8 जुलाई 2011 में। ओके, सो बेटा आवर फिफ्थ नेशनल सिंबल इज आवर नेशनल एम्बल, NATIONAL, नेशनल EMBLEM एम्बल, आवर नेशनल एम्बल इज लोयन कैपिटल। ओके, LION लोयन CAPITAL कैपिटल। द नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया इज अडोप्टेड फ्रॉम लोयन कैपिटल, जो हमारा ये इंडिया का नेशनल एम्बल है, ये किस अडोप्ट किया गया? फ्रॉम लोयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया है हमारा ये लोयन कैपिटल का जो साइन है। फीचर्स फॉर एशियाटिक लॉयंस, इस पे क्या है कि फोर एशियाई लॉयंस जो है इस पे बने हुए हैं, एम्बल सिंबलाइजिंग पावर। ये किस चीज को वो करते हैं, सिंबलाइज करते हैं बेटा? पावर, शक्ति, कोरेज, वीरता एंड कॉन्फिडेंस। एंड एट द बॉटम इसके जो ये फोर जो हमारा ये लॉयन कैपिटल होता है, इसमें फोर एशियाटिक लॉयंस होते हैं। एंड इसके बॉटम मीन्स नीचे क्या होता है, इज ए हॉर्स एंड ए बुल, इसके नीचे क्या है, एक हॉर्स है एक बुल है। ठीक है, विद ब्यूटीफुल व्हील, और एक ब्यूटीफुल व्हील है, चक्र है, धर्म चक्र एट सेंटर, इसके सेंटर में क्या बेटा, एक ब्यूटीफुल सुंदर सा एक धर्म चक्र है इसके सेंटर में। ओके, सो बेटा रिपीट करेंगे। सो आवर थर्ड जो नंबर था वो हमारा क्या था, नेशनल सॉन्ग। सो आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। किसका सॉन्ग है बेटा? ये इंडिया का नेशनल सॉन्ग है, कंपोज बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने कंपोज किया है, राइट किया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ओके, सो द सॉन्ग हैज बीन ट्रांसलेटेड इन टू नंबर्स इंडियन लैंग्वेज, ये कई भारतीय भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया है। ओके, सो आवर नेशनल सॉन्ग इज बेटा वंदे मातरम, एंड कंपोज्ड बाय रविंद्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके,
सो आवर फोर्थ नंबर इज नेशनल करेंसी। और नेशनल करेंसी क्या है? इंडियन रूपी, और ये इंडियन रूपी का साइन है, सिंबल्स है। ओके, इंडियन रूपी इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो ये इंडियन रूपी है, ये क्या है? इंडिया की अपनी ऑफिशियल करेंसी है एंड कंट्रोल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, द न्यू सिंबल वाज ऑफिशियली, जो ये हमारा न्यू सिंबल है, इसको अडॉप्ट किया गया था 2010 में एंड स्टार्टेड इन सर्कुलेशन ऑन 8 जुलाई 2011 में। और ये हमारे जो सर्कुलेशन में कब आया था? 8 जुलाई 2011 में। ओके, नेक्स्ट इज नेशनल एम्बल। नेशनल एम्बल इज लोयन कैपिटल। द नेशनल एम्बल ऑफ लोयन एम्बल ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम लोयन कैपिटल। लोयन जो ये कैपिटल है, ये अडॉप्ट किया गया था अशोक का एट सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया था। फीचर आर फोर एशियाटिक लोयंस। इस पे क्या है कि फोर एशियाटिक एशियाई लोयन इस पे बने हुए एम्बल सिंबलाइजिंग पावर। इसको क्या क्या सिंबलाइज करते हैं बेटा? पावर, शक्ति, कोरेज, वीरता एंड कॉन्फिडेंस। एंड एट द बॉटम, इसके बॉटम में क्या है? इज ए हॉर्स एंड ए बुल। इसके बॉटम में बेटा एक हॉर्स है, एक बुल है, विद ब्यूटीफुल, एक ब्यूटीफुल से सुंदर से वही जो एक पहिया बना हुआ है, धर्म चक्र एट द सेंटर, इसके बीच में। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज सीमा फ्रॉम एमएलपी इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। सो डियर स्टूडेंट, क्लास इज फर्स्ट, सब्जेक्ट इज मैथ, आवर टॉपिक इज मल्टीप्लाई। ओके, सो मेंशन योर हेडिंग एम यू एल टी आई पी एल वाई मल्टीप्लाई। ओके, द साइन ऑफ मल्टीप्लाई इज ये, द साइन जो है ये मल्टीप्लाई का साइन है। सो बेटा इन मैथ्स टू मल्टीप्लाई मीन्स टू एड इक्वल ग्रुप्स। ओके, व्हेन वी मल्टीप्लाई, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो द नंबर ऑफ थिंग्स इन ग्रुप इज इंक्रीज। ओके, जो ग्रुप में नंबर्स होते हैं उनके वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। द टू फैक्टर एंड प्रोडक्ट्स आर पार्ट ऑफ मल्टीप्लाई। ओके, सो लेट स्टार्ट। सो बेटा टुडे वी विल डू वन डिजिट मल्टीप्लाई विदाउट कैरी। ओके, सो 7 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये टू हमारे फैक्टर्स हैं, ये दोनों हमारे क्या है? फैक्टर्स, एफ ए सी टी ओ आर एस, फैक्टर्स एंड आंसर इज प्रोडक्ट, पी आर ओ डी यू सी टी, प्रोडक्ट। ओके, सो बेटा हम क्या करेंगे? 4 की टेबल 7 तक काउंट करेंगे। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। ओके, सो 4 7 जा कितना होता है बेटा? 28, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 28। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या करेंगे? 3 की टेबल 5 तक काउंट करेंगे। ओके, सो बेटा 3 की टेबल काउंट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ओके, सो 15 यहाँ पे हम क्या करेंगे? राइट करेंगे 15, 1 5 15। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की टेबल क्या करेंगे? 6 तक काउंट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। ओके, सो 2 6 जा बेटा 12, 12 को हम यहाँ पे राइट करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज
8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या करेंगे, 3 की 8 टेबल 8 तक काउंट करेंगे। सो 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 फोर जा 12, 3 फाइव जा 15, 3 सिक्स जा 18, 3 सेवन जा 21, 3 एट जा 24, 3 एट जा 24, तो 24 को हम यहाँ पे ऐसे राइट कर देंगे। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवन फाइव जा, क्या करेंगे, फाइव की टेबल सेवन तक काउंट करेंगे। फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव सिक्स जा थर्टी, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव। ओके, सो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव। एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, टू की टेबल नाइन तक काउंट करेंगे। टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सेवन जा फोर्टीन, टू एट जा सिक्सटीन, टू नाइन जा एटीन। एटीन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे राइट करेंगे। ओके, सो रिपीट करेंगे बेटा, फोर सेवन जा ट्वेंटी एट, सो हम यहाँ क्या करेंगे, 28 राइट करेंगे। नेक्स्ट इज 3 5 जा 15, ओके, सो 15 यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट इज 2 6 जा 12, सो 12 यहाँ पे राइट करेंगे। 3 8 जा 24, 24 राइट करेंगे। नेक्स्ट इज 5 7 जा 35, सो 35 यहाँ पे राइट करेंगे। सो 2 9 जा 18, 18 को हम राइट करेंगे। ओके, सो बेटा एच डब्ल्यू में आपको टेबल लर्न करने है, कि विदाउट टेबल मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो आपको टेबल लर्न करने है, टू एच डब्ल्यू, योर एच डब्ल्यू इज लर्न टेबल ऑफ 225। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू सम बेसिक वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश स्पोकन, सो लेट्स वी स्टार्ट क्लासेस। फर्स्ट हेडिंग इज वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग सब आर्ट। फर्स्ट इज बिकॉज, बी ई सी ए यू एस ई, बिकॉज, बिकॉज मीन्स बेटा क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, बी ई सी ए यू एस ई, बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि। ओके, नेक्स्ट इज वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। ओके, नेक्स्ट इज वंस, ओ एन सी ई, ओ एन सी ई, वंस, वंस मीन्स एक बार, वंस मीन्स एक बार। ओके, नेक्स्ट इज ऑलवेज, ए एल डब्ल्यू ए वाई एस, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑलवेज हमेशा। नेक्स्ट इज वूज, डब्ल्यू एच ओ एस ई, वूज, वूज मीन्स किसका, वूज मीन्स किसका, के ई शे के आ, किसका, वुज मीन्स किसका। नेक्स्ट इज लुक, एल डबल ओ के, लुक, लुक मीन्स देखो, लुक मीन्स देखो। नेक्स्ट टाइम, टी आई एम ई, टाइम, टाइम मीन्स समय, टाइम मीन्स समय। ओके, नेक्स्ट एन ई एक्स टी, नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स अगला, नेक्स्ट मीन्स अगला। मैनी, एम ए एन वाई, मैनी, मैनी मीन्स अनेक, मैनी अनेक। नेक्स्ट इज सम, एस ओ एम ई, सम, सम मीन्स कुछ,
के उ छे कुछ, सम मीन्स कुछ, नाउ नाउ मीन्स अभी, ए भे ई अभी, नाउ अभी। नेक्स्ट इज वाई, वाई मीन्स क्यों, वाई क्यों, हाउ हाउ मीन्स कैसे, हाउ कैसे। नेक्स्ट इज बट, बट मीन्स बेटा लेकिन, बट मीन्स लेकिन। नेक्स्ट एंड लास्ट इज सो, सो मीन्स इसलिए, सो मीन्स इसलिए। आई रिपीट अगेन डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, वेयर कहाँ, वेयर कहाँ, वंस एक बार, वंस एक बार, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा, वूस किसका, वूस किसका, लुक देखो, लुक देखो, टाइम समय, टाइम समय, नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट अगला, मैनी मैनी अनेक, मैनी अनेक, सम कुछ, सम कुछ, नाउ अभी, नाउ अभी, वाई वाई मीन्स क्यों, वाई क्यों, हाउ हाउ मीन्स कैसे, हाउ कैसे, बट लेकिन, बट लेकिन, सो इसलिए, सो इसलिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर वर्ड मीनिंग इज कम्प्लीट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट कंप्यूटर, सो लेट्स वी स्टार्ट क्लासेस। फर्स्ट कंप्यूटर, ए स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर क्या है बेटा, एक स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट इज ए मल्टीटास्किंग मशीन, इट इज ए मल्टीटास्किंग। ये बेटा बहुत ज़्यादा काम कर सकती है, ऐसी मशीन है जो हमारे काम को, सभी को इजी करती है। मेन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर आर, इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं, इट वर्क ऑन अवर इंस्ट्रक्शन, ये हमारे जो हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, निर्देश देंगे, वो ही वर्क करती है। इट गिव्स रिजल्ट वेरी फास्ट, जो कंप्यूटर होता है बेटा वो रिजल्ट तुरंत बहुत ही जल्दी दे देता है। इट ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट, ये हमेशा बिल्कुल सही रिजल्ट देती है, कौन, कंप्यूटर। इट कैन स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर हम अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। इट कैन स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इनमें जो कंप्यूटर है इसके अंदर हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें डाटा वगैरह, अपनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर एप्लीकेशन में रख सकते हैं। इट नेवर गेट्स टायर्ड, यह जो बेटा कंप्यूटर है, स्मार्ट मशीन, ये कभी भी थकती नहीं है, हारती नहीं है। इट नेवर गेट्स टायर्ड, यह कभी भी थकता नहीं है। मैन वर्सेस कंप्यूटर, मैन वर्सेस कंप्यूटर, इधर मैन है, इधर कंप्यूटर है। यहाँ बेटा कुछ फीचर्स दिए हुए हैं मैन्स के, इधर कंप्यूटर के। मैन कहता है आई नीड फूड, मुझे भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन की जरूरत होती है। कंप्यूटर बोलता है आई डोंट नीड फूड, मुझे कंप्यूटर, मुझे खाने, भोजन की जरूरत नहीं होती है। मनुष्य को आई नीड रेस्ट, मुझे आराम चाहिए, आराम की जरूरत होती है। कंप्यूटर आई डोंट नीड रेस्ट, मुझे रेस्ट भी नहीं चाहिए, मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं होती है। आई कैन थिंक, मैं सोच सकता हूँ। आई कैन नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता। आई कैन वर्क ऑन माई ओन, ये कहता है कि मैं अपने आप से वर्क कर सकता हूँ। ये कहता है आई नीड योर इंस्ट्रक्शन टू वर्क, ये कहता है कि मुझे आपके निर्देशों की जरूरत होती है, तभी मैं कुछ कार्य कर सकता हूँ।
तो बेटा आज के जो हमने चैप्टर में कराया है, कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है बेटा, जो हमारी भागदौड़ की जिंदगी को बहुत ही आसान बनाता है। और इधर मनुष्य, एक व्यक्ति कहता है कि मुझे फूड रेस्ट जरूरत होती है, सोच भी सकता हूँ और मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ अपने ऑन अपने आप। और इधर कंप्यूटर बोलता है कि मुझे ना भोजन चाहिए, ना रेस्ट चाहिए, ना मैं सोचता हूँ, और मुझे वर्क करने के लिए इंटरेक्शन की जरूरत, किसी दूसरों की निर्देशों का जरूरत होती है। ओके, नाउ समथिंग न्यू में चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज है वो कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। कौन? चार्ल्स बेबेज। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंप्यूटर चैप्टर। ओके बेटा, थैंक यू, हैव नाइस डे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू सम बेसिक क्वेश्चन आंसर इन साइंस सब्जेक्ट, क्लासेस फर्स्ट। सो लेट्स वी स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द शेप ऑफ फुल मून? व्हाट इज द शेप ऑफ फुल मून? जो चांद होता है बेटा, उसकी पूरी आकृति क्या होती है? आंसर इज सर्कल। जो मून होता है, फुल जो होता है, उसकी शेप होती है सर्कल। व्हाट इज द शेप ऑफ फुल मून? सर्कल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टू एनिमल्स कैन सी बिहाइंड देम विदाउट मूविंग देयर हेड? दो जानवरों के नाम बताओ जो अपने हेड, अपने सिर को बिना घुमाए पीछे की तरफ देख सकते हैं। आंसर इज पैरेट एंड रैबिट। पैरेट एंड रैबिट जो अपने सर को बिना मूविंग, बिना हिलाए पीछे की तरफ भी देख सकते हैं। क्वेश्चन इज, विच टू एनिमल्स कैन सी बिहाइंड देम विदाउट मूविंग देयर हेड? पैरेट एंड रैबिट। ओके, नेक्स्ट इज, वेयर इज द स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? वेयर इज द स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी जो हड्डी होती है, प्रेजेंट इन देयर ह्यूमन बॉडी, वो कहाँ होती है? मिडल ईयर में। कहाँ होती है? मिडल ईयर। नेक्स्ट इज, विच प्लानेट इज नोन एज द रेड प्लानेट? नेक्स्ट इज, विच प्लानेट इज नोन एज द रेड प्लानेट? विच प्लानेट, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? आंसर इज मार्स, MARS, मार्स। विच प्लानेट इज नोन एज द रेड प्लानेट? मार्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एनिमल्स विच ईट मीट एंड मीट आर नोन एज, जो मीट, मांस खाते हैं, वो जानवर किस रूप, किस नाम से जाने जाते हैं? आंसर इज कार्निवर्स। जो मीट, मांस खाते हैं जो जानवर, उनको बोलते बेटा कार्निवर्स। नेक्स्ट इज, नेम द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। पृथ्वी के पास कौन सा स्टार है? सन। नेम द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ? सन। ओके, नेक्स्ट इज, नेम द टॉलेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। नेम द टॉलेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, आंसर इज जिराफ, सबसे लंबा जानवर जिराफ, दुनिया में सबसे लंबा जानवर जिराफ। आई रिपीट अगेन, व्हाट इज द शेप ऑफ फुल मून? सर्कल। व्हाट इज द शेप ऑफ फुल मून? सर्कल। नेक्स्ट इज, विच टू एनिमल्स कैन सी बिहाइंड देम विदाउट मूविंग देयर हेड? पैरेट एंड रैबिट। नेक्स्ट इज, वेयर इज द स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? आंसर इज मिडल ईयर। ओके, नेक्स्ट इज, विच प्लानेट इज नोन एज द रेड प्लानेट? विच प्लानेट इज नोन एज द रेड प्लानेट? मार्स। ओके, नेक्स्ट इज, द एनिमल विच ईट मीट आर नोन एज, मीट आर नोन एज कार्निवर्स। ओके, नेक्स्ट इज, नेम द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। नेम द स्टार क्लोजेस्ट टू द स्टार? सन। ओके, नेक्स्ट इज, नेम द टॉलेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड।
नेम द टॉलेस्ट वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड जिराफ राइट आंसर इज जिराफ सो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल रिवाइज बेसिक क्वेश्चन आंसर 1 to 7 आई होप यू अंडरस्टैंड ओके बेटा थैंक यू हैव ए नाइस डे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई एम संगीता मैम टीचर ऑफ फर्स्ट क्लास एट एमएलपी स्कूल राजपुरा डियर स्टूडेंट आज हम हिंदी में कहानी पढ़ेंगे नानी की मजेदार कहानी है ठीक है देखिए बेटा बचपन में जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाती है अक्सर बच्चे गर्मी की छुट्टी बिताने अपने नाना नानी के घर जाते हैं आप लोग भी जाते हैं जैसे ही आपकी गर्मियों की छुट्टी जून की छुट्टियां पड़ जाती है तो आप भी नाना नानी के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जहां पर उन्हें अपने ननिहाल में खूब धमा चौकड़ी करते हैं और फिर दिन भर मस्ती करने के बाद रात में अपनी नानी से नई नई कहानियां सुनने को मिलती है जो काफी मजेदार और सीख देने वाली होती है तो आज हम भी आपको नानी की कहानी ठीक है घमंड का अंत पढ़ेंगे कहानी बड़ी प्यारी है बेटा ध्यान से पढ़ना है ओके तो कहानी शुरू करेंगे हम एक जंगल में एक विशाल पर्वत था विशाल मीन्स बड़ा पर्वत था एक दिन उस विशाल पर्वत ने जानवरों को देखा जंगल को देखा और फिर खुद को देखा जो पर्वत है उसने जानवरों को भी देखा जंगल को देखा और फिर अपने आप को देखा कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ उसे अपने आकार पर बहुत घमंड हुआ ठीक है उसने कहा मैं सबसे शक्तिशाली हूँ मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ पर्वत की हैं बातें सुनकर सभी जानवरों को बहुत गुस्सा आया घोड़े ने आगे बढ़कर कहा ओ घमंडी पर्वत अपने आप पर इतना घमंड मत कर एक क्षण में तुम्हें दौड़कर पार कर सकता हूँ घोड़े ने कहा कि घमंडी पर्वत अपने आप पर तो इतना घमंड मत कर एक क्षण में तुम्हें दौड़कर मैं पार कर सकता हूँ पर पर्वत पर थोड़ी ऊपर चढ़ने से घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया पर्वत दिल खोलकर हंसा इसी तरह हाथी ऊंट जिराफ सभी जानवरों ने कोशिश की पर वे पहाड़ का कुछ बिगाड़ नहीं पाए अब सभी जानवरों को अपना दोस्त चूहा याद आया ठीक है सभी जानवरों को अपना दोस्त जो था चूहा वो याद आया चूहा पर्वत के पास आया और उसने पर्वत को चुनौती दी पर्वत ने चूहे का खूब मजाक उड़ाया पर्वत ने सोचा कि एक छोटा सा जानवर इतने बड़े जानवर कुछ नहीं कर पाए तो एक छोटा सा जानवर मेरा क्या करेगा और वह चूहे पर हंसा चूहे ने मुस्कुराते हुए पर्वत में छेद बनाना प्रारंभ किया अन्य चूहों ने भी पर्वत में छेद करना चालू कर दिया पर्वत घबरा गया उसने सभी जानवरों से माफ़ी मांगी इस तरह पर्वत के घमंड को एक छोटे से चूहे ने तोड़ दिया तो बेटा कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए ठीक है किसी के पास कुछ भी है यदि वह प्यार से सबके साथ रहता है तभी वह अच्छा होता है लेकिन अपने जीवन में किसी भी वस्तु पर घमंड नहीं करना चाहिए तो बेटा कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए एक दिन घमंड का अंत जरूर होता है ठीक है ओके बेटा थैंक यू